राजस्थान की युवा किस तरफ है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस की तरफ है। क्या रीजन है कांग्रेस की तरफ है? क्योंकि सर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर अपने भैया थे, बड़े भैया अभिषेक चौधरी, तो उनका समर्थन करते हुए हम जोटवाड़ा विधानसभा से इस बार खड़े हुए हैं, तो उनका समर्थन करते हुए हम सभी युवा उनकी तरफ है इस बार। पेपर लीक मामले में क्या कहना चाहता है युवा? देखो पेपर लीक मामले में अपन कांग्रेस पार्टी पे एक कैंडिडेट की वजह से पूरी पार्टी के ऊपर अपन ब्लेम नहीं लगा सकते। और बाकी रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने राजस्थान में जितना जो विकास किया है वो और किसी पार्टी ने नहीं किया, इसलिए हम पूरे युवा कांग्रेस पार्टी के साथ है। और आने वाली जो वैकेंसियां रहेगी, जितने नए जिले वर्गीकृत कर दिए गए उन जिलों से बेनिफिट हमारे जैसे युवाओं को मिलेगा, क्योंकि आगे जितनी भी तहसीलें उनमें SDM वगैरह की जो पोस्ट निकलेगी वो हमारे जैसे युवाओं को रोजगार देगी, इसलिए हम देश की और राजस्थान की। आप किस तरफ है RLP? ये कह रहे हैं RLP, आप कह रहे हैं कांग्रेस, आप क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि सर RLP है, किसानों का काम करवा रही है, युवाओं के लिए RLP काम आएगी। क्या कांग्रेस ने नहीं कराया किसानों के लिए? देखो किसानों के लिए कांग्रेस ने करवाया है, जैसे बिजली के लिए किया है तो बिजली बिल माफ किया है, तो ये इनको किसानों के लिए जो योजक कड़ी जो कांग्रेस पार्टी ने योजनाओं के तहत बनाई है वो ये कह रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही सर। क्या कह रहे सर? लाइट नहीं आ रही। ये तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस काल में लाइट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए युवाओं का समर्थन रहा है और आगे भी युवाओं का समर्थन रहेगा, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया ऐसे कार्य लगातार चलता रहेगा। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी लगातार कार्य कर रही है। नहीं कर रही सर, हम बता रहे हैं बिजली नहीं आ रही हमारे गाँव में, टाइम पर बिजली नहीं आ रही, पेपर लीक करवा रही है। देखिए आप क्या है योजना अपने इस बार, 7 गारंटी कानून, अनुकृति कोचिंग योजना है सर, और अभी जो बिजली योजना है सर, मुफ्त बिजली किसानों के लिए, और क्या चाहिए सर? सबसे बड़ी तो कह रहे हैं सारी चीज दे रहे हैं सर स्टूडेंट के लिए। हनुमान बेनीवाल है वही युवाओं के साथ खड़ा है, और स्टूडेंट के लिए अनुकृति कोचिंग योजना, और इससे ज्यादा क्या चाहिए सर? अब कौन सी सरकार है, बीजेपी ने किया है, अभी RLP ने किया है, कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों और किसानों के साथ रही है, क्या इस बार क्या कांग्रेस सरकार? मेन तो पेपर लिख कर काम करती है कांग्रेस पार्टी, और कौन सा काम करती है? कांग्रेस का पेपर लीक का ही काम है, और क्या है कांग्रेस का पेपर लीक का? सरकार में कांग्रेस पेपर लीक होते हैं। RLP को लेके आओ, एक नंबर लेने होगा RLP को लेके आओ। ये कह रहे हैं RLP को लेके आओ, पेपर लीक नहीं होगा फिर? नहीं होगा। ये तो कह रहे हैं सर, कोई गारंटी सरकार बने तब सर, बिना सरकार बने ऐसे नहीं होगा सर। एक आदमी की वजह से पूरे कांग्रेस को आप बदले? ये तो कह रहे हैं एक आदमी की वजह से नहीं होगा, आप कह रहे RLP को लेके आओ, RLP को लेके तो आओ, एक आदमी कांग्रेस ने हमेशा है। आप 1947 से पहले भी देखिए कांग्रेस ने जितना मतलब देश के लिए किया, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने किया है। अलग क्या बीजेपी ने कोई कार्य किया नहीं किया फिर RLP और कांग्रेस किया? कुछ नहीं किया सर कांग्रेस। नहीं आप बताओ ना, आपकी राय जानना है। लगता होगा कुछ ना कुछ। नहीं नहीं हम लोग जनता की राय पूछ रहे हैं भाई, जनता जो हमारी बात है मानना आ रहा है यार, काके हम यूँ कह रहे हैं बीजेपी ना करो बहुत ना मानो, पता कैसे करे? ये RLP के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, हम तो दोनों की बात सुन रहे हैं। तो दोनों कैसे, एक की सुन रहे हैं? किसने बढ़िया काम है? आप RLP हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों में बढ़िया काम किसने किया है वो लिया हो। जनता किस तरह काम, तो यार जनता एक पहलू है, वो किसी भी मुड़ जाएगी, आप मोड़ दोगे तो उधर मुड़ जाएगी। तो सर सर जनता सर सर ये बोल रहे हैं सर सर, आप 5 सालों विकास देखिए कांग्रेस से, और विगत वसुंधरा सिंधिया टाइम में आप विकास देखिए सर, 5 सालों वसुंधरा सिंधिया से तो बेटर कांग्रेस ने किया है। हर स्टूडेंट वर्ग को देखो सर, बुजुर्ग वर्ग को देखो, मतलब नारी शक्ति के लिए सबके लिए विकास किया है उन्होंने, और सबसे बड़ी समस्या सर स्वास्थ्य ने क्या किया सर सर मेरे लिए, मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ सर, वहाँ सर जमीनें बिक जाती थी इलाज करने के लिए सर, आज चित्तौड़गढ़ में सर, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ सर, वहाँ पे सर ऐसा है कि नॉर्मल आदमी इतना पैसा वाला नहीं है, लेकिन वहाँ के इलाज के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता है, उसके लिए जमीन बिक जाती थी। अब सर ये चिरंजीवी योजना से सर राजस्थान में आप कहीं पे भी इलाज कराओ सर, मुख मेरा खुद का दोस्त है विनोद गुज्जर नाम से सर, भाई साहब डेवलपमेंट 1947 से पहले विकास करेगा, आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी, तो सर योजना नहीं लगी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, किसी के लिए लगेगी? भैया बोल रहे थे
पेपर लीक तो हर किसी में होता है सर, पर पेपर लीक सरकार हो गया, सरकार थोड़ी जाएगी मेरे कार्यकर्ता को पेपर लीक हो, कौन चाहता है कौन अपनी सरकार को बदनाम करना चाहता है। जैसे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए वीर या वीर मनमोहन सिंह ये बढ़ाने के लिए लेके आएंगे, ये तो अभी सरकार लेके आती है। और एक भैया बोल रहे थे कि फायदा होगा पेपर लीक तो कर देंगे, फायदा क्या होगा, की बात नहीं माने गए थे। इस बार सचिन पायलट वापस चला गया, नहीं तो हम कांग्रेस के साथ ही थे, आरएलपी पूरी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि पिछली बार भी किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ था, इसलिए कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, आरएलपी को ही वोट देंगे इस बार। आर्थिक सब कुछ सही हो जाएगा, योजना देखिए सर आप है ना सर, मैं किसी पार्टी या मतलब पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप योजनाओं और विकास देख के वोट दे, मतलब क्षेत्र और जातिवाद तो छोड़ के विकास के मुद्दों पर वोट दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है विकास के मामले में गोरखनाथ सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। विकास तो तभी होगा जब देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। और भैया बोल रहे थे एक बार की ये देश के नए जिले बनने से नए योजना मतलब नई नई वैकेंसियां निकलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो रोजगार कब मिलेगा जब वो पेपर लीक नहीं होंगे तभी तो मिलेगा, ये 5 साल तक लगे रहेंगे युवा, उससे क्या रोजगार मिलेगा, 5 साल बाद वो वापस पेपर लीक हो जाएंगे।